नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। आपको बता दें कि ये बिहार के जाने माने रेनाउंड फिजिशियन हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत जी। बहुत धन्यवाद आपका मुस्कान जी। सर, जब भी मानसून की बात आती है तो स्किन प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हम स्किन प्रॉब्लम्स देखते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा लोगों में देखा जाता है वो होता है रैशेज, खुजली। ये बहुत आम चीज़ है जो मानसून में हम देखते ही हैं लोगों में। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कुछ लोग ऐसा सावधानी बरते ताकि इससे बच पाए वो? जी, मानसून में चूंकि नमी बहुत ज़्यादा रहती है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, इसमें फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जो मॉइस्ट एरिया शरीर के अंदर का रहता है, पसीना चलता है, तो उस मॉइस्ट एरिया में फंगल ग्रो करने की जो संभावनाएँ हैं उसको कम करने के लिए, उससे बचने के लिए अपने शरीर को ड्राई रखना आवश्यक है। अपना हर एक व्यक्ति अपने पास रुमाल या गमछा टाइप का चीज़ या तौलिया टाइप का चीज़ रखना है, जिससे कि अपने को पोछते रहें, अपने ह्यूमिड एरिया नहीं रहे। दूसरा, पहनावे पर बहुत ध्यान रखना है, जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर, जो ह्यूमिडिटी को, वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए, वैसा कॉटन का प्लेन और हवादार जिसमें रहे, जिसके थ्रेड्स रहें, वैसा पहनना चाहिए, जिससे कि कॉटन सूती प्रैक्टिकली स्किन के लिए फ्रेंडली होता है इस मौसम में। और जो जिसमें पॉलिस्टर या फिर उस तरह का केमिकल युक्त जो रहता है उसमें परस्पिरेशन या पसीना बाहर निकलने में नहीं बन पाती है, जिससे कि इन्फेक्शन और ज़्यादा होने की संभावना है। तो पहनावे पर बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। तीसरा, इनके साथ साथ जो चूँकि ह्यूमिडिटी के कारण से ऐसे एरियाज़ में ह्यूमिडिटी रहती है, तो वहाँ पर आप एंटी फंगल जो पाउडर आता है, डस्टिंग पाउडर आता है, उसका प्रयोग करेंगे तो आपका एरिया भी ड्राई रहेगा और फंगस ग्रो नहीं कर पाएंगे, वहाँ बचाव रख पाएगा। इसके अलावा आपको जो नहाते हैं तो उसमें जो सोप होते हैं वो नन ऑयली सोप अभी प्रैक्टिकली यूज़ करना चाहिए, और साथ ही साथ जिसमें इन्फेक्शन कंट्रोल की भी अवयव रहते हैं वैसा सोप यूज़ कर सकते हैं आप अपने स्किन को ड्राई और अच्छे रखने के लिए। इसके अलावा आपको रिहाइड्रेट करके रहना है, पानी पूरा से पीते रहना है, क्योंकि पसीने में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, और जब पसीने में वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस होता है तब स्किन की जो इन्फेक्टिविटी चांसेस है वो बढ़ जाती है। तो जब आपके शरीर रिहाइड्रेट अपने को करके रखते हैं तो उससे भी आपको स्किन के इन्फेक्शन होने की संभावनाएं कम जाती हैं। इसके साथ जो खान पान में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है इन सब स्किन के इन्फेक्शन से बचने के लिए, जिसमें कि प्योर फ्रूट्स का जूस जो होता है, एंटीऑक्सीडेंट उसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छा भी होता है, हेल्दी होता है स्किन के ग्रोथ के लिए, तो उसमें भी उसका प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही साथ क्लिश चीज़ों का, फ्राइड चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए उस, और अपने को जो विशेषकर जो शुगर के पेशेंट्स हैं, जो और कोई क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट हैं, उनको इस सावधानी बहुत ज़्यादा बरतने की आवश्यकता होती है, उनका शुगर कंट्रोल रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस मौसम में जब पसीना बहुत ज़्यादा होता है तो स्किन में उनका स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि तुरंत बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रैशेज और इचिंग सब शुरू हो जाती है। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान रख करके आप अपने स्किन को बचा करके रख सकते हैं जी। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि मानसून में अक्सर लोग बाहर जाते हैं तो भीग जाते हैं, वेट हो जाता है उनका, शरीर भीग जाता है, कपड़े भीग जाते हैं, और बहुत देर तक पहनने की वजह से शरीर पे क्रैशेज हो जाता है, लालिमा आ जाती है शरीर पे। तो ऐसे में क्या करें और लोगों को जल्द से जल्द चेंज करने के लिए आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? हाँ, भीगे कपड़े पहन करके रहना उचित नहीं है, क्योंकि उससे एक रैशेस तो हो सकता है। आजकल देखते हैं कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन है तो जो रेन वाटर है उसमें भी कभी कभी इचिंग हो सकता है, जहाँ पे उसे क्योंकि यहीं से पोल्यूटेड वाटर से ऊपर जा रहा है पानी और आ रहा है, तो उसमें रैशेज, अगर किसी को एलर्जिक रैशेज भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, तो अगर किसी एलर्जिक रैश हुआ है तुरंत आता है और फिर इचिंग करता है, फिर गायब भी हो जाता है, तो उसमें एक एंटी एलर्जिक लेने की आवश्यकता होती है चिकित्सीय देख रेख में, और वो एंटी एलर्जी के कारण से आपके रैशेज जो निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा खुजली कर रहे हैं और क्षणिक रूप, समझना है वो समझेगा, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझ, और अपना जो भी क्लोदिंग है आपका वो हमेशा ड्राई रहे, इसका ध्यान रखना जरूरी है। कहीं आप जा रहे हैं, पसीने से आपका गंजी भींग गया या बरसात से गंजी भींग गया, तो उसे चेंज करना है, एक दिन में दो बार तीन बार भी चेंज करना पड़े तो चेंज कर ले, लेकिन उसको ड्राई रखें, क्योंकि जहां अगर वो वेट रहेगा, स्किन से टच में रहेगा हमेशा, तो वो फिर इन्फेक्शन को प्रमोट कर देगा, इन्फेक्शन दे देगा। और जैसे बच्चों में भी देखते हैं कि नैपी जब पहनते हैं बच्चे, अगर यूरिन उसमें हो जाता है तो अगर उसको चेंज जल्दी नहीं करते हैं तो
रैशेज आ जाते हैं बच्चे में, नैपी रैश। तो उसी तरह एडल्ट में भी अगर पसीने से भींगा हुआ आपका कपड़ा है बहुत देर तक, तो उसमें भी रैशेज और इचिंग और इन्फेक्शन होने की संभावना है, तो उसे तुरंत चेंज करना आवश्यक है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, बहुत धन्यवाद आपका। तो आशा करते हैं दर्शकों की आप भी ये समझ पाए होंगे कि मानसून के सीजन में अगर आपको भी कोई स्किन प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है जिससे आपको किसी भी तरीके का कोई भी स्किन प्रॉब्लम ना हो। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। देखने के लिए आपका धन्यवाद।